कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखो। अंदर बताएं, मारवाड़ी इंदौरी, मेवाती मेवात, जयपुरी अजमेर, मालवी रतलाम, बताएं। लैपटॉप डाउन हो गया था साहब, मास्टर साहब ने देखा ही नहीं, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन दिया जा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। प्रश्न का उत्तर दो, बातें करने की नहीं हो रही है। बहुत बतियाते हो भैया तुम लोग। जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ आखिर देख लिया भाई, देख लिया देख लिया देख लिया, डर गया मैं। सही उत्तर क्या है इसका? बिल्कुल मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है वो इंदौर से संबंधित थोड़ी है, बिल्कुल गलत है ये। अगला प्रश्न, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत प्राकृत, पाली अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत, पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, बताएं साहब। बोलो निधि, अनम्यूट तो करो। हेलो सर। हेलो जी, बताएं। सर अरे ये सर मतलब कैसे याद करनी पड़ेंगी सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लास्ट जो स्लाइड दिखाई थी, पहले हाँ जी आज घर जाके क्या करना है, इस पूरे नोट्स को पढ़ना है जब आपके ऐप पर अपलोड हो जाए, ठीक है? अब बिल्कुल सीरियसली होके पढ़ना पूरे नोट्स को, ठीक है? उसके पश्चात जो उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है उसको दो बार पढ़ना। सभी को बता रहा हूं ये बात, एक बार कंप्लीट रीडिंग पूरे नोट्स की, सेकेंड टाइम यूपी वाला यूपी स्पेशल पढ़ लेना, ठीक है? और जब अगली क्लास जब हम लेंगे तो हम आपको बता देंगे इस 100% नोट्स में से कौन सा 60% भाग पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, ओके सर, ओके ठीक है? 40% इसमें छुड़वाएंगे, लेकिन अभी हमारे हमें क्या है, आपको थोड़ा सा फाउंडेशन कराना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा तो फिर आपको आसानी होगी। और आपका पीजी, सर। नेम अजीब अजीब है ना सर, समझ नहीं आ रहा कौन सी नहीं उसमें। नहीं सब कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जब आप इतिहास की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इतना सारा कंटेंट देना पड़ा। और मैं वैसे कंटेंट तो कम देता ही नहीं, जितना चाहे उतना पढ़ लो, पढ़ने वाले तो बनो। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू हाँ एक प्रश्न था तुम्हारा, क्या प्रश्न था टीजीटी को लेके? हाँ सर। आपने कौन से ग्रुप में भेजा था सर, सफलता वाले में? सर जी, उसमें तो मैं देखती हूँ सर, मुझे तो नहीं दिखा था। कंफ्यूजन नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं, अब बता दो भाई साहब। होगा ना, क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन ज्यादा आती रहती है ना सर, तो थोड़ा सा सर हाँ हाँ बताओ बताओ, प्रश्न क्या था? बस सिलेबस को लेके था सर, हो गया था क्लियर। एक्चुअली सर वो कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा सा। हो गया तो हाँ ठीक जी। है, तो बढ़िया बात है। और सर एक चीज और सर, आपका ना टेलीग्राम लिंक मुझे टेलीग्राम पर जाकर सर कहीं नहीं मिला। मैंने कविता से भी बोला था और शायद अंकित से भी मांगा था, उनको भी नहीं पता था। राघवेंद्र मिले ही नहीं आपको? नहीं सर नहीं, मतलब मैंने पूरा सर्च किया सर, मुझे कहीं भी नहीं शो हो रहा था सर। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे क्या होता है, नहीं मिला होगा, वो मैंने सर्च के लिए प्राइवेसी लगा रखी है, तो कोई मत क्या करो सर, हम इतनी देर से सर सर्च करते रहते हैं और सर कुछ मिलता ही नहीं। इंस्टाग्राम पे जाओ ना, इंस्टाग्राम पे तो मास्टर साहब पब्लिक हैं, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे अगर कोई प्रश्न है आपका तो अपना स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेज दो, जब मैं हाँ दिन जी, में एक क्योंकि दो सर बार, एक्चुअली हिंदी में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो सर हम हिंदी का कहीं नहीं पूछ पाते कुछ भी सर। हाँ ठीक तो इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है? है सर, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करती, अब करूंगी हेलो, अरे स्टार्ट। करो, शुरू करो, इंस्टाग्राम ठीक ठाक है, वहां पे अभी गंदगी नहीं है मौजूद, इसीलिए इंस्टाग्राम पे बचे हुए हैं, बाकी सब जगह से हम हो हट के जाएगी जा ना, रहे वो हैं। सारे ज्वाइन कर लेंगे तो सर क्या हो जाएगा? वहां भी गंदगी हो जाएगी सर, सारे ज्वाइन करेंगे तो। हाँ अब ये तो है ही, अब क्या करें, वहां से अगर निकल लेंगे। ठीक है सर, ओके। हाँ भाई ऋतु प्रश्न पूछ रही है, फटाफट इसका सही उत्तर बता देता हूं मैं भाई, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही हेलो उत्तर ए है। सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले संस्कृत बनी, संस्कृत के बाद पाली, पाली किसमें, जो बौद्ध धर्म के जितने भी उपन्यास जो ग्रंथ हैं वो पाली में लिखे गए, प्राकृत
यानी आपकी जैन, और उसके बाद आई अपभ्रंश जिसमें हम इस वक्त चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना शुरू करिए। बोले ऋतु जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताएं। सर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस ये पूछ रही थी कि एक बार आपने कहा था कि मुहावरे और लोकोक्ति जो एक जैसे होते हैं उसका पीडीएफ देंगे, तो मुझे मिला नहीं था, आपके पास नहीं पहुंचा अभी तक? किस भाई, क्या ग्रुप में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है? जो मैंने बताया था 20-25 ऐसे मुहावरे हैं जिन मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ भाई। जरा बताओ तो लड़के और लड़कियों, नहीं पहुंचा है तो आज मैं, वैसे तो मैंने उसके लगभग नेक्स्ट वीक में भेजा था, ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन अभी तक शायद अपलोड नहीं होगा, मैं बोल दूंगा, आज ही बोल देता हूं उनके लिए। अगर नहीं अपलोड, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो देखती रहती हूँ, मुझे नहीं दिखा था, पर हो सकता है मैं मिस कर दी हूँ, इसलिए पूछ रही थी आपसे। ठीक है ठीक है, मैं उस पीडीएफ को अपलोड करा दूंगा, दोबारा से अपलोड करा दूंगा। वैसे मुझसे बोल दिया था टीम ने कि सर हमने अपलोड कर दिया, हो सकता है यूपीएसआई के 2-3 बैच चले ना, किसी एक में कर दी हो, किसी एक में रह दी, तो वो मैं भेज दूंगा। ठीक है बच्चे। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ भाई, इसका उत्तर दो। अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख में, कनिष्क द्वारा प्रदत्त पांडुलिपियों में, यशोवर्मन के सातवें बल्लवी राजा के धारसिंह द्वितीय के, बताओ भाई। जल्दी उत्तर दो। गुड गुड भाई, इसका सही उत्तर क्या है? डी, बल्लवी राजा से द्वितीय शिलालेखों में। भाई अशोक, सॉरी अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में थे या कौन सी लिपि में थे? अशोक के शिलालेख कौन से लिपि में थे, कोई बता पाएगा? आकिब ने बोला साहब, उत्तर मिला। अच्छा ऋतु का आंसर ठीक आया, पहले वाला गलत था, ये ठीक है। कुछ ये देख, सुना सुना लग रहा है। ये लिपि कहां कहां की थी भाई? ये लिपि कहां की थी? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि है, कोई आइडिया? ईरान का जो क्षेत्र था, वहां का जो राजा था, वो अशोक के समकालीन माना जाता है, उसने सबसे पहले शिलालेख शुरू किए थे, और उसके जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में थे, उसी से प्रभावित होकर ये माना जाता है कि अशोक ने शिलालेख की परंपरा शुरू करी, जो अधिकांश ब्राह्मी लिपि में और एक दो जो है वो खरोष्ठी लिपि में भी है। भाषा की बात नहीं कर रहा बच्चे ऋतु, भाषा अलग होती है, लिपि अलग चीज होती है, मैं लिपि की बात कर रहा हूं, मैंने लिपि प्रश्न बोला था, भाषा नहीं बोली थी। भाषा प्राकृत हो, कोई भी हो, मैंने बोला था केवल और केवल कौन सी लिपि में थे। ठीक है, अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 4। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, खड़ी, बुंदेली, कन्नौजी। ये गलत हुआ ना? हाँ, तो आपका उत्तर हम ठीक बताते बच्चे। हाँ, अगर ये गलत होता ना, मैं बहुत मारता भाई, बहुत ज्यादा मारता। खड़ी बोली, बिल्कुल। अगला आज का आखिरी प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, बताएं साहब। ये अच्छा, या फिर ये बता दो आज वो हो, आर्टिकल तक दे रहे हैं लड़के, क्या बात है। राजभाषा भाई, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? ऑडियो पे मुझे मैसेज नहीं चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? Ansul raised, okay. What is the difference between the state language and the national language? State word भी ठीक नहीं होगा, मैं बोलूंगा official language and the national language.
अंकुश आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बच्चे आ रहा है, आ रहा है। सबसे पहले भाई अंशुल जी ने हाथ रेज खड़ा कर दिया था, अपना हाथ उठा दिया था, तो भाई अंशुल जी को मौका मिलेगा। बोले अंशुल जी, अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ जी बोले सर। हाँ जी सर, सर राजभाषा वो होती है जिसे हम संवैधानिक भाषा कहते हैं, जिसमें विभागीय कार्यों को लेखा जोखा किया जाता है, और राष्ट्रभाषा सर जो पूरे राष्ट्र में भाषा बोली जाती है, या जिसमें जिसे मतलब एक अधिकार प्राप्त होता है कि राष्ट्र का भाषा, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। गुड, काफी ठीक ठाक बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और चाहिए, एकदम जिसे बोलते हैं ना पिन पॉइंट, सीधे चिड़िया की आंख में जो निशाना मार पाए। सेकंड पे खड़ा किया था अंकुश पाठक ने, बोलो अंकुश जी। सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बोलो बच्चे। स्टेट लैंग्वेज बेसिकली यूनियन की लैंग्वेज है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो ये लैंग्वेज को यूज कर सकती है। मेरा ऐसा, अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो फिर किसी लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि हर स्टेट को उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या मतलब जो उनके वर्क होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क वगैरह होंगे, ऑफिशियल वर्क, वो उस लैंग्वेज में करने पड़ेंगे। तो डिस्प्यूट भी हुआ था ना तमिलनाडु और तमिल लैंग्वेज और इनके बीच में डिस्प्यूट भी होता है। बिल्कुल हुआ था। हाँ तो ये होगा सर, राजभाषा एंड राष्ट्रभाषा के बीच। ये तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए कि भाई राजभाषा को, अगर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और हमने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मेन अंतर क्या है। अंशुल ने काफी हद तक ठीक बताया लेकिन फ्रेमिंग नहीं हो पाई। मैं एक ऐसा उत्तर सुनना चाह रहा हूँ जिसकी फ्रेमिंग भी अच्छी हो। सर जिसमें राजभाषा जो संघ की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं और जिसे लेखने जोखने में प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा है। यानी हिंदी हमारी राजभाषा है आप लोग कह रहे हैं, और जो लेखा जोखा होता है वो हिंदी में होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट में केवल इंग्लिश का ही प्रयोग किया सकता है, फिर राजभाषा की परिभाषा यहाँ पे असंतुष्ट हो गई, नहीं हो गई? यस सर, हुआ ना जी। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो जो यूनियन गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है, बट जुडिशरी में तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। नहीं, इंग्लिश का मैंडेटरी है अभी, मतलब हिंदी का नहीं है ना, इंग्लिश का तो मैंडेटरी है, बट ऐसा तो है नहीं कि मैंडेटरी नहीं है। आकिब को आखिरी मौका देते हैं, उसके पश्चात मास्टर बताएंगे, घर निकलेंगे। बताओ आकिब। सर राजभाषा वो होगी जो राजकाज की भाषा होगी सर, जिसमें ऑफिशियल वर्क, दैट्स द ब्लडी पॉइंट। और राष्ट्रभाषा वो होगी सर जो आम लोग बोलते हैं सर, हम लोग जैसे बोलते हैं ये सब राष्ट्रभाषा में। नहीं नहीं, यहाँ छूट गए, यहाँ छूट गए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने पहले बिल्कुल ठीक किया, राजभाषा का मतलब हो गया जो हमारे कामकाज की भाषा है। अंशुल जी भी ये बता रहे थे, वह भाषा जिसका प्रयोग कोई भी सरकार अपने आधिकारिक कामकाज के जितने भी नोटिसेस होते हैं, या कोई सूचना प्रेषित करनी है, या कोई लॉ लाना है, तो उसमें वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, वो चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाती है उसमें ये काम करना जरूरी होता। यानी तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक कानून बनाता है, उसका वो पब्लिकेशन जो कर रहा है वो केवल और केवल किस में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है या तमिल में कर रहा है, तो उसके ऊपर आज के डेट में किसी तरीके की कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप हिंदी में क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया तो एक तो वहां का जो सदन होगा वहां हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी, वहां हर कानून की जो भाषा है वो पहला जो मूल जीओ निकलेगा, जो ऑफिशियल लेटर निकलेगा वो पहला हिंदी में ही निकलेगा। सेकेंडरी आप चाहे इंग्लिश में निकाल दो, चाहे तमिल में निकाल दो, चाहे कन्नड़ में निकाल दो, लेकिन जिसे कहते हैं ना मेन जो आपका निकलेगा वो हिंदी में निकलेगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता, अब तो बीजेपी के आने से काफी चीजें चेंज हो गई, कांग्रेसियों का थोड़ा हिंदी में हाथ तंग रहता था, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, हाथ तंग रहता था, तो यूनियन बजट भी हमारा इंग्लिश में हो जाया करता था। तो इन सबको देखते हुए हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब जो राजा जो होता है ना राजा, उससे राजवर्ड निकला, यानी जो सरकार के कामकाज की भाषा हो सकती है, गवर्नमेंट के कामकाज की भाषा, ठीक है। लेकिन इसके केवल यही भाषा होगी ऐसा प्रतिबंध नहीं है। सर अभी कोई हमारी राष्ट्रभाषा है क्या? सर नहीं, सर कोई भाषा नहीं है राष्ट्रभाषा।
आप ये समझो हम लोग भाषा को महत्व नहीं देते, हम क्या भाई जाति को महत्व देते हैं कि कहीं जातीय गणित ना बदल जाए। सरकार ये तो देखती है धर्म के आधार पर गणित ना बदल जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक धर्म संतुष्ट हो जाए और उस पार्ट में देश के असंतोष हो जाए कि हमें अलग अलग होना है। लेकिन पाकिस्तान इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि उसने भाषाई अलगाव को छोटा माना और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, बांग्लादेश भाषा के आधार पर अलग हुआ एक देश है। धर्म तो एक ही था ना, मुस्लिम ही तो थे, दोनों ही मुस्लिम थे, दोनों की परंपराएं लगभग सेम थी, लेकिन अंतर क्या था, अंतर था केवल भाषा का। तो भाषा ही कट्टरवाद कम नहीं होता, इसीलिए भाषा के महत्व को हम कम नहीं कर सकते। समझ में आया? अब आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? बांग्लादेश। राज्य, राष्ट्र नहीं, राज्य। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना। कौन बताएगा भाई? वैसे उत्तर मुझे सही मिला है, मैं बताऊंगा नहीं, आइडिया तो लग ही जाता है। आंध्र प्रदेश सर। आंध्र प्रदेश, अच्छा। इसके अलावा कोई और? तेलंगाना सर। तेलंगाना, ठीक है। अभी इसका तेलंगाना का रिसेंटली डिवाइडेशन हुआ है, वो भाषा के आधार पे ही हुआ है। अब मैंने पढ़ा था आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु सर। अरे मैडम बस आप ही क्लियर कर दो कहाँ पढ़ा है। भैया जरा मास्टर साहब जब होते हैं क्लास में थोड़ी इज्जत कर लिया करो यार। हाँ जी। अरे तो अपना माइक म्यूट कर लो, बतियाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरी क्लास में, बतियाना है। सर कंफ्यूज कर रही है मैडम। वो करने दो यार, तो बतियाओ हमारे सामने क्लास में ही बतिया। आप ही बता दीजिए सर आंसर। हम बता रहे हैं, थोड़ा सस्पेंस रहने दिया करो यार। हाँ भाई, सबसे पहला जो भाषाई आधार पर जो आपका आंदोलन हुआ था वो आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था, और बिल्कुल ठीक उत्तर आया है। काफी लोगों ने आंध्र प्रदेश हुआ था सर। ये हुआ था 1953 के आसपास। ये मैं चेक संजय करो सर। श्योर है? एक बात और भी, मिस्टर बिना पूछे माइक कैसे अनम्यूट हो रहा है, मतलब 53 में आज सबके माइक क्या खुले छोड़ दिए हैं? ठीक कर लो, आज मस्ती कर लो। डिबेट होनी चाहिए सर, डिबेट होनी चाहिए तभी एक्टिव रहते हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर वेल आपके लिए हम डिबेट का एक कंपटीशन कर देते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, रेडी हैं हम लोग डिबेट के लिए। आप तो रेडी हैं, लेकिन आज तक की तरह मिस तो कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनो तो आज तक पर या कोई भी न्यूज चैनल है उन पर डिबेट में क्या होता है, खबर को छोड़ के सब कुछ होता है, फिर यहाँ पढ़ाई को छोड़ के सब होगा, फिर एक दूसरे को और पानी फेंकना, फिर वो डिबेट इतनी हिंसक हो जाएगी मास्टर साहब तुम्हारे गंजे हो जाएंगे और हिंदी क्लास ठप। डिबेट करेंगे जी, हिंसक नहीं जा रहे हैं। चलो निकलो इज्जत से, कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने आ रही है। डिबेट थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। ओके सर थैंक यू। डिबेट करवा दो, इनके लक्षण है किसी के पढ़ने लायक, जाके पत्रकार पत्रकार बनो। पत्रकार भी नहीं, वो जो आता है ना सस्ता सा बिठा लेते हैं वो, जिससे कहते हैं भाई तू 10,000 पकड़, तुझे गाली सुननी है, बाकी बनोगे तुम लोग डिबेट करेंगे। यूपीएसआई तैयारी ना हो रही है, डिबेट करेंगे ये। चले जाओ, चले फोन मत खोलाओ मेरा। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। विकास जी मैं बेसिकली मेरी क्लास में म्यूट रहते हैं, आज क्या हुआ, आज मैंने ही ध्यान नहीं दिया तो अनम्यूट हो गए। कभी कभी छूट मिलनी भी चाहिए, इतनी बंदिशें अच्छी नहीं होती है ना, और मेरी क्लास में तो वैसे ही लोकतंत्र रहता। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।